थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे भी, हाथरस का उनका दौरा है, घायलों के परिजनों से मिलेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलकर भी ढांढस बंधाएंगे। साथ ही 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की थी, एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दाखिल करनी होगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो अनुमति मांगी गई थी आयोजनकर्ताओं की ओर से उसमें केवल 80,000 भीड़ जुटने का दावा किया गया था, लेकिन एलआई रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2.5 लाख लोग उस कार्यक्रम में जुटे थे। हाथरस की घटना को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, गृह विभाग के अफसर मौजूद हैं, सूचना विभाग के अफसरों को भी बुलाया गया है। हाथरस पहुंचे जो प्रदेश स्तरीय अफसर हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया है और देखिए आवाज पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे भी, हाथरस का उनका दौरा है, घायलों के परिजनों से मिलेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलकर भी ढांढस बंधाएंगे। साथ ही 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की थी, एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दाखिल करनी होगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जो पुलिस है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो अनुमति मांगी गई थी आयोजनकर्ताओं की ओर से उसमें केवल 80,000 भीड़ जुटने का दावा किया गया था, लेकिन एलआई रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2.5 लाख लोग उस कार्यक्रम में जुटे थे। साथ ही कई ऐसे अहम पहलू हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो शर्तें थी उनका पालन नहीं किया गया जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। एक तो जमीन प्लेन नहीं थी, एक खेत ऊंचा था, एक खेत नीचा था, नीचे वाले खेत में लोग गिरते गए, भीड़ का दबाव था, दोबारा 4-5 लोग गिरे और फिर एक बार भीड़ का झोंका ऐसा आया कि कई लोग उसमें दबते चले गए और उनके ऊपर से लोग निकलते चले गए। तो ऐसे कुछ अहम बिंदु रहे हैं जिन पर इस रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। कुछ लोग अज्ञात भी इसमें नामजद कराए गए हैं, बाकी आयोजनकर्ता भी इसमें शामिल हैं, उनके नाम अभी अज्ञात के रूप में मुकदमे में दर्ज कराए गए हैं। पुलिस अपनी जो जांच है उसको तेज गति से आगे बढ़ा रही है और साथ ही जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो और तथ्य सामने आएंगे उसे मुकदमे में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मीटिंग करने के बाद हाथरस की तरफ रवाना होंगे। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे भी, हाथरस का उनका दौरा है, घायलों के परिजनों से मिलेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलकर भी ढांढस बंधाएंगे। साथ ही 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की थी, एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दाखिल करनी होगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिस है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो अनुमति मांगी गई थी आयोजनकर्ताओं की ओर से उसमें केवल 80,000 भीड़ जुटने का दावा किया गया था, लेकिन एलआई रिपोर्ट बताती है कि लगभग 2.5 लाख लोग उस कार्यक्रम में जुटे थे।